दोस्तों ये है MacBook Air. Oops, sorry, very very sorry, नहीं. ये है Redmi Book Pro 14 जो इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है दोस्तों अब तक, बट इंडिया में बहुत ही जल्दी Mi Notebook 14 Pro के नाम से आ सकता है. यस, एंड उसके बारे में खबरें भी आई हुई है कि आने वाला है. तो Redmi ये जो है Redmi Book ये दोस्तों चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में नहीं, बट रीब्रांड होकर इंडिया में आएगा. दिस रीब्रांडिंग थिंग इज नेवर गोइंग टू एंड, दैट्स व्हाट आई थिंक. और मैंने MacBook Air का नाम क्यों लिया, क्योंकि अगर आप इसके पास देखोगे दोस्तों, लुक एट दिस, अगर नीचे से देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा विदाउट दैट विंडोज का जो स्टिकर है, अगर वो नहीं होता तो पूरी तरह से आपको ये लगेगा कि दिस इज MacBook Air या फिर MacBook Pro. वैसे ही दिखने को है. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कूडोज टू Xiaomi या फिर Redmi टू कम अप विथ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि दोस्तों ये जो है अगर हाथ में लेते हो आपको पता चलता है इट इज बिल्ट वेरी वेरी वेल. फुल यूनिबॉडी एल्यूमिनियम चासी है इसकी दोस्तों, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल जस्ट लाइक यू नो. बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने बताया दोस्तों, सीरियसली आई रियली लव्ड इट. इनफैक्ट ये जो सटल ब्रांडिंग भी है लुक्स वेरी प्रीमियम. जब आप ज्यादा कुछ डालते हो भद्दा सा दिखता है, ये जो है इट लुक्स प्रीमियम. एंड अगेन इन डिजाइन वाइज आई विल से रियली रियली गुड. आई होप कि Mi Book Pro जो इंडिया में, Mi Notebook Pro 14 जो इंडिया में आने वाला है, वो भी ऐसे ही कुछ हो. आई वुड लव इट. वैसे इसमें दो वेरियंट्स आते हैं दोस्तों, Ryzen 5 एंड Ryzen 7. वैसे अगर Ryzen बेस्ड नहीं चाहिए तो Intel बेस्ड प्रोसेसर भी आपको मिलते हैं Redmi Book Pro 14 में, Redmi Book 14 Pro जो भी है नाम उसका. लेकिन दोस्तों एक चीज अच्छी है जो एक्चुअली MacBook Pro या फिर MacBook Air में आपको नहीं मिलती है, पोर्ट्स. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोर्ट्स इन दिस वन. जी हाँ, फुल HDMI पोर्ट आता है, आपको Thunderbolt पोर्ट भी मिलता है इधर, एंड यू हैव आल्सो हैव अ USB टाइप सी एंड यू हैव अ USB टाइप ए. जी हाँ, चारों पोर्ट मिलते हैं. एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपको 3.5mm जैक और एक USB पोर्ट मिलता है. सो कोई भी कमी नहीं है एज फार एज पोर्ट्स एंड बटन्स गो. और एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, इसके जो नीचे रबर ग्रिप्स है ये रेज्ड हैं थोड़े, इधर वाले जो ऊपर वाले हैं वो रेज्ड हैं, नीचे थोड़े कम हैं. बट उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा नीचे जो एयर फ्लो है, आई थिंक जो स्पेस है नीचे उसकी वजह से मदद होती है एयर फ्लो के लिए. सो टू कीप द मशीन कूल दैट इज गुड. वैसे दोस्तों नीचे एयर फ्लो के लिए पूरी की तरह से ग्रिल आती है. जी हाँ, एग्जैक्टली लाइक MacBook Air या फिर MacBook Pro आप देखोगे. एंड साइड में दोनों तरफ आपको स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं ऑन बोथ द साइड. दोस्तों अगर वेट के बारे में बात करूं, इट इज नॉट वन ऑफ द लाइटेस्ट दैट आई हैव हेल्ड, बट अबाउट 1.5 kgs, 1.5 या 1.6 kgs. लेट्स टेस्ट इट आउट. 1.425, नॉट बैड. 1.425 इज गुड. मुझे लगा था 1.5 kgs तक होगा, बट यस 1.42 kgs का है. गुड वन. चलिए बाहर से देख लिया दोस्तों, देखते हैं अंदर से. वैसे अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, आपके लिए मंगाते हैं बाहर से ताकि आपको पहले मिल सके हमारी अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस. तो लाइक तो बनता है, वैसे सब्सक्राइब नहीं है वो भी जरूर कर दीजिएगा. लेट्स लुक इनसाइड. यस, ओ मतलब ये पार्ट देखोगे दोस्तों, वेरी वेरी सिमिलर वंस अगेन टू यू नो हु. बड़ा सा पैड है, टच पैड जो है सीरियसली बड़ा है. आई लाइक दैट. Ryzen का Ryzen 7 है, हमारे पास जो वेरिएंट है वो Ryzen 7 है. यस, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, सो दैट इज गुड. इवन द कीज एंड कीबोर्ड, मैं कहूंगा गुड साइज कीबोर्ड. जो डिस्टेंस है दोस्तों कीज के बीच में वो भी इनफ है. एंड ट्रेवल डिस्टेंस वेरी नाइस. टैक्टाइल जो फील आता है आपको, इट इज क्वाइट टैक्टाइल. वेरी नाइस. Oh, I love it. All right, let's look at the screen. इसका resolution दोस्तों Full HD से ज़्यादा है. 2K, 2.5K तक इसका resolution है. So high resolution IPS LCD screen आता है इसके अंदर. And yes, bezels जो है दोस्तों, side के bezels मैं कहूँगा पतले हैं, 4.3 mm के हैं. ऊपर का bezel भी मैं कहूँगा पतला है. नीचे चिन जो है दैट इज ऑल्सो एवरेज साइज, ज्यादा बड़ा वगैरह नहीं है. रेडमी की ब्रांडिंग आती है. ऊपर के जो ऊपर का जो बेजल है दोस्तों, उसमें आपको वेबकैम मिलता है और दो साइड को दो माइक्रोफोन्स भी नजर आते हैं. सो नाइस स्क्रीन. एंड दिस इज अ 14-inch स्क्रीन. ये Redmi Book 14 है, सो 14-inch स्क्रीन ही आती है इसके अंदर. ब्राइटनेस वगैरह मैं कहूँ तो प्रीटी डिसेंट ब्राइटनेस. फुल ब्राइटनेस देखते हैं कितना है. क्वाइट ब्राइट. इंडोर्स के लिए तो परफेक्ट है, फुल ब्राइटनेस की भी जरूरत नहीं होगी. 60-70% ब्राइटनेस पे इंडोर्स चलेगा, बाहर आप 100% कर पाओगे. वैसे 88.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है, इसीलिए वो बेजल जो है पतले हैं. और दोस्तों अगर कलर्स वगैरह के बारे में बात करूं डिस्प्ले के, तो 100% sRGB का सपोर्ट है, तो दे फेयरली एक्यूरेट. मतलब कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, क्लोज टू नेचुरल दिखते हैं.
ऑलराइट, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये जो है मैंने जैसे बताया आपको राइजन 7 पे आता है 5700U पे, एंड जो दूसरा है वो राइजन 5 भी आप ले पाओगे। इसके अंदर दोस्तों एक ही कॉन्फ़िगरेशन आती है रैम के मामले में, 16GB। दोनों में ही आप राइजन 5 वाला भी लो या 7 वाला लो, 16GB रैम आपको मिलेगी इसके अंदर। एंड स्टोरेज के लिए आपको 512GB SSD मिलती है। Yes, no 1TB, no 256, 512GB। और दोस्तों अगर ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करूं तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है AMD Radeon का। Alright, let's talk about battery, और इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं। वैसे इसमें 56 वॉट आर की बैटरी आती है दोस्तों। एंड यू नो द चार्जर, जी हाँ मैं चार्जर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये चार्जर है, यू विल मिस इट फॉर अ स्मार्टफोन चार्जर, लेकिन ये इस लैपटॉप का चार्जर बॉक्स में ये चार्जर एंड USB टाइप सी केबल आती है। सो Yes, वैसे दोस्तों अगर मैं बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं तो Xiaomi क्लेम करता है 11.5 घंटे, एंड जितना हमने पूरा 10-11 घंटे तक नहीं इस्तेमाल किया, बट जितना भी हमने देखा है Yes, 10 आवर्स बैटरी लाइफ कम से कम आपको मिलेगी मॉडरेट यूज। और दोस्तों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Yes, 35 मिनट्स में 50% बैटरी चार्ज होती है, फ्रॉम 0 to 50%, एंड 0 to 100% इन लेस देन 1 आवर। Yes, 57 मिनट्स में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है, सो दैट इज अ बिग थम्स अप। और दोस्तों ये आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 10 पे आता है, शायद एक 6 महीने के बाद आपको जब ये लैपटॉप लोगे तो शायद विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, बट इसके अंदर विंडोज 10 है, और जिनके पास विंडोज 10 है उनको फ्री अपग्रेड भी मिलने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट OS। वैसे दोस्तों इसमें MIUI प्लस नाम का एक फीचर आता है, फीचर यानी सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जहां पे अगर आपके पास Xiaomi का फोन है तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर कर पाओगे विथ योर फोन। सो नाइस, दैट इज नाइस। इनफैक्ट हर एक ब्रांड आजकल ऐसे एप्स वगैरह निकाल रहे हैं ताकि जो इंटीग्रेशन है बिटवीन योर फोन एंड योर डेस्कटॉप पीसी या फिर लैपटॉप बिकम्स मच मोर इजियर। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, वाईफाई 6 आता है लेटेस्ट जनरेशन, एंड ऑफ कोर्स ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। जैसे मैंने कहा दोस्तों डिस्प्ले अच्छा है, 2K प्लस डिस्प्ले आता है, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है, इमर्सिव है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा बेजल्स वगैरह पतले होने की वजह से मजा आता है आपको देखने में। जो ओवरऑल लैपटॉप की फुटप्रिंट है दोस्तों ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ दोस बेजल्स, सो ओवरऑल आई लाइक दैट। अगर ऑडियो के बारे में बात करूं, ऑडियो इज लाउड, डिसेंट क्वालिटी है, खराब नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बट ओवरऑल मल्टीमीडिया के लिए अगर आप बाय कर रहे हो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो क्या मैं रिकमेंड करता हूं इसे जब इंडिया में वो आएगा, ये तो चाइना वेरिएंट है बट इंडिया में अगर आ गया दोस्तों, इसकी प्राइस, लेट्स टॉक अबाउट प्राइस फर्स्ट। ये जो है राइजन 5 वेरिएंट जो है दोस्तों कुछ 4499 युआन यानी 4500 युआन का आता है, इसका मतलब 48 to 50,000 रुपीज। और ये जो है 4999 युआन यानी 5000 युआन का आता है, इसका मतलब अबाउट 54-55,000 रुपीज अगर कन्वर्ट करते हो आप। तो उस प्राइस में अगर ये लैपटॉप आता है I will definitely recommend it. क्यों? क्योंकि देखिए this is not for a content creator. Video creation वगैरह आप इसके ऊपर नहीं कर पाओगे, but बाकी सब चीजें मल्टीमीडिया, रेगुलर यूसेज, वीडियोज वगैरह देखने हैं, एडिट वगैरह करने हैं, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करने हैं, फोटोशॉप वगैरह भी इस्तेमाल करना है, यू विल बी एबल टू डू इट। हाँ एकदम हाई एंड वगैरह नहीं, बट येस डिसेंट। अदर देन कंटेंट क्रिएशन दिस आई थिंक इज अ वेरी गुड पैकेज फॉर अराउंड 50,000। अब आने दीजिए इंडिया में, स्पेसिफिकेशन अगर सेम होंगे तो जैसे मैंने बताया आई रिकमेंड इट, बट लेट्स वेट फॉर इट। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, भूल गए होंगे लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।